जी। और जी A1, हम पेपर टू की बात कर रहे हैं। तो भाई हमारा जो टॉपिक है आज हम पढ़ रहे हैं जी एरेज, और जिस हम एरेज की बात कर रहे हैं वो है 1D एरे। अच्छा जी, एरेज या एरेज को 1D एरे, इसमें 2D भी है लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं इसकी 1D की। तो इस एरे को क्या कहते हैं, ये आपके पास क्या है, डेटा स्ट्रक्चर। और डेटा स्ट्रक्चर क्या है, एक टेक्निक है टू ऑर्गेनाइज द डेटा, अ टेक्निक टू ऑर्गेनाइज द डेटा। डेटा को अगर ऑर्गेनाइज करना है तो वो एक टेक्निक है। और हमारे पास काफी सारे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं आपके सिलेबस में, स्टैक, ट्री, लिंक्ड लिस्ट, काफी सारे हैं, तो उनको तो हम बाद में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं जी एरे डेटा स्ट्रक्चर। पेपर में पूछ लेते हैं भाई, अरे है क्या, व्हाई वी नीड अरेज, क्या फायदा है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है अरेज की। तो कुछ पॉइंट्स हैं, जरा लिखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा, और मैं इन पॉइंट्स को प्रूव भी करता हूँ कि बेसिकली वो क्या क्या रहा है जी। इसमें हमारे पास जो पहला पॉइंट, जी इन एरे वी स्टोर द डेटा ऑफ सेम डेटा टाइप। इन एरे यूजिंग सिंगल वेरिएबल नेम, वी कैन एक्सेस मल्टीपल लोकेशंस या मैनी लोकेशंस। वी कैन एक्सेस मैनी लोकेशंस इन एरे। वी स्टोर द डेटा ऑन कंसेक्टिव ऑन कंसेक्टिव लोकेशंस। लोकेशंस क्या हो गई, साथ साथ जो लोकेशंस हैं, तो हम उन लोकेशंस पे ये डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो ये तीन मेजर या तीन बुलेट पॉइंट्स हैं जिनको हम यूज करते हैं कि भाई इन एरे वी स्टोर द डाटा ऑफ सेम डाटा टाइप, इन एरे यूजिंग सिंगल वेरिएबल नेम वी कैन एक्सेस मल्टीपल लोकेशंस, एंड इन एरे वी स्टोर द डाटा कंजेक्टिवली। अच्छा, ये तीन पॉइंट्स नोट करने के बाद इन सारे पॉइंट्स को मैं अभी प्रूव भी करता हूँ, बेसिकली वो कहना क्या चाह रहा है इसमें। आप इनको करेक्टरिस्टिक्स कह दें, एडवांटेजेस ऑफ एरे कह दें, व्हाई वी नीड एरेस, तो कोई भी आप हेडिंग दे सकते हैं। चलें अब सबसे पहले आते हैं कि हम एरे को डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं। बिफोर यूजिंग द एरे फर्स्ट वी हैव टू डिक्लेयर। तो अब एरे डिक्लेयर कैसे होगी या एरे डिक्लेरेशन क्या, स्क्रोल डाउन करता जाओ, ये PDF तो आ जाएगा आपके पास। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे, पहला काम जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, और पहला काम है एरे डिक्लेरेशन। अच्छा जी, एरे डिक्लेरेशन कैसे हो? देखिए, अगर मुझे एरे को डिक्लेयर करना है तो हमारे पास सूडो कोड गाइड में ये पूरी या एक इंस्ट्रक्शंस गिवन है। तो कैसे डिक्लेयर करेंगे, सबसे पहले डिक्लेयर का कीवर्ड, डिक्लेयर करने के बाद आपके पास क्या आता है, अभी सुन ले, नोट करने का टाइम मिलेगा, पहले देख लें क्या क्या रहा हूं। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ नाम, आपको टाइम मिलेगा नोट करने का, सामने देखें अभी। ओके, देन एरे कीवर्ड 1:1:4 ऑफ इंटीजर। आपने जो कुछ अभी तक पेपर टू में पढ़ा है, ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं, वो सारा का सारा रिकॉल होगा, लूप, कंडीशन, सारा स्ट्रक्चर बार बार रिकॉल। अच्छा देखिए, जब मैंने स्टेटमेंट लिखी इसका मतलब क्या है, डिक्लेयर बेसिकली क्या है, एक कीवर्ड। कीवर्ड्स क्या होते हैं, प्री डिफाइंड वर्ड्स।
नाम क्या है, इसको क्या कहेंगे, ये आपके पास क्या है, एरे नेम, एंड देन एरे 1:4, इसको आप क्या कहते हैं, ये आपके पास क्या है, एरे साइज, और इंटीजर आपके पास क्या है, डेटा टाइप। 1:4 का मतलब यहां पर देखिए, 1 क्या है, 1 रिप्रेजेंट करता है लोअर इंडेक्स, जहां से रे स्टार्ट होती है वी कॉल देम द लोअर इंडेक्स। 4 किसको रिप्रेजेंट करता है, अपर इंडेक्स, जहां पे एरे एंड होती है उसको क्या कहते हैं, अपर इंडेक्स। इसको लोअर बाउंड भी कह सकते हैं, अपर बाउंड भी कह सकते हैं। अब देखिए, जब मैंने स्टेटमेंट लिखी, स्टेटमेंट का मतलब क्या है, देखिए इस स्टेटमेंट का मतलब यह है कि आपको मेमोरी में 4 कंसेक्यूटिव लोकेशंस मिल जाएंगी, 4 कंसेक्यूटिव लोकेशंस मिल जाएंगी। हियर वी हैव num1, जिसको मैं क्या कहूंगा, num1 का मतलब क्या है, एरे का इंडेक्स 1, देन num2, ये आपके पास क्या है, एरे का इंडेक्स 2, देन वी हैव num3, इंडेक्स 3, एंड देन वी हैव इंडेक्स 4। इन सारी लोकेशंस का एक ही नाम, इन सारी लोकेशंस का एक ही नाम है, और वो आपके पास क्या है, नाम। num1 ये वाली लोकेशन एक्सेस हो गई, num2 ये लोकेशन, num3 एंड num4। तो इस तरह से आप लोकेशंस को एक्सेस कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, यहां पे लिखता हूं नाम और असाइनमेंट ऑपरेटर 80। 80 कहां स्टोर कर दे, इस एरे के 1 इंडेक्स पे। मैं अगर यहाँ पे इस तरह से स्टेटमेंट लिखता हूँ num2, इसका क्या मतलब है, 50 कहाँ स्टोर कर दें, एरे के सेकेंड इंडेक्स पे। तो इस तरह से हम डाटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन वन बाय वन नहीं करें। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, देखें जब आप एरे डिक्लेयर करते हैं, एरे नेम और आगे लिखा 1:4, तो आपको मेमोरी में 4 कंसेक्यूटिव लोकेशंस मिल जाएंगे। और डेटा टाइप सबकी क्या है, इंटीजर, इसका मतलब है 0 से लेके 9 तक कोई भी नंबर्स या इनका कॉम्बिनेशन स्टोर होगा। और ये जो मैंने यहाँ पे लिखा, ये लोअर इंडेक्स या अपर इंडेक्स है, ये 80-50 क्या है, इसको कहते हैं हम एलिमेंट्स। ये आपके पास क्या है, एलिमेंट्स ऑफ एन एरे, ये क्या है, एरे के एलिमेंट्स, एरे का डाटा। पॉइंट समझ आता है। और हम इस तरह से या हम लूप लगा के इस डाटा को स्टोर कर सकते हैं। तो अब पूरी प्रैक्टिस इसी स्ट्रक्चर पे चलेगी, फिलहाल जरा देखें क्या ये स्टेटमेंट क्लियर है, इसको नोट करें और फिर मैं इसके साथ फर्दर पॉइंट चेक करता हूँ, और इस दौरान जो क्वेश्चन है आपके वो जरूर पूछ सकते हैं। जी, अब जरा देखिएगा, हम क्या करते हैं, कुछ एक एरे डिक्लेयर करते हैं और उसमें कुछ डाटा स्टोर करते हैं। क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इनपुट एनी 5 नंबर्स, इनपुट एनी 5 नंबर्स इन एन एरे। भाई हम 5 नंबर्स इनपुट करते हैं एरे में, सो इनपुट करने से पहले फर्स्ट वी हैव टू डिक्लेयर। कैसे करेंगे डिक्लेयर, सेम वही चीज, डिक्लेयर का कीवर्ड आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, डिक्लेयर कीवर्ड, फिर एरे का नाम हम कुछ भी रख लेते हैं। मैंने यहाँ पे एरे का नाम क्या रख लिया, सपोज नाम या नंबर। फिर क्या यूज करते हैं, एरे कीवर्ड एंड देन साइज, तो मेरे पास साइज क्या आ जाएगा, 1:5 ऑफ डेटा टाइप इज इंटीजर। देखिए अब जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इस केस में होगा क्या, जब मैं ये स्टेटमेंट लिखता हूँ तो मुझे मेमोरी में इस वक्त 5 कंसेक्यूटिव लोकेशंस मिल जाएंगी, मेरे पास क्या आ जाएंगी मेमोरी में, 5 कंसेक्यूटिव लोकेशंस। कह सकता हूँ ये मेरे पास इंडेक्स 1 है, 2 है, 3, 4, 5, तो ये एरे का लोअर इंडेक्स आ गया और एक एरे का अपर इंडेक्स आ गया। तो जब ये स्टेटमेंट लिखी, देखो अभी पूछा किसी ने कहाँ यूज होगा, यार अगर मेरे पास 5 कंसेक्यूटिव लोकेशंस आ जाएं और इन सारी लोकेशंस का एक ही नाम हो और सारी साथ साथ हैं, तो क्या डेटा एक्सेस करना आसान नहीं हो जाएगा, और कैन बी से कि यूजिंग 1 वेरिएबल वी कैन एक्सेस मल्टीपल लोकेशंस। सबसे बड़ा फायदा ये है, तो मुझे काफी सारी लोकेशंस चाहिए, तो मैं यहाँ पे एरे का साइज 500, 5000 जितना करना चाहूँ कर सकता हूँ, और विद द हेल्प ऑफ सिंगल नेम
वी कैन एक्सेस मल्टीपल लोकेशन, वी कैन एक्सेस मैनी लोकेशन, सबसे पहला एडवांटेज। और डेटा कंजेक्टिवली स्टोर हो रहा है तो डेटा ऑर्गेनाइज होगा, जब डेटा ऑर्गेनाइज होगा तो हम एक टर्म यूज करते हैं, वी कॉल देम द डेटा मैनिपुलेशन टास्क। इसका मतलब है हम डेटा सर्च, डिलीट, अपडेट, ये सारे काम बड़ी आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब आपके पास एरे साइज 5 है, तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस स्ट्रक्चर को जरा देखें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इनपुट करते हैं एरे साइज 5, तो लूप एग्जीक्यूट करते हैं फॉर। अब देखिए फॉर लूप बार बार रिकॉल होगा, कैसे, फॉर आई 1 to 5, एरे का साइज 5 तो लूप 5 टाइम्स चलेगा। आप डायरेक्ट एरे में इनपुट करना चाहो कर सकते हो, मैं दो स्टेप में लिखता हूं, इनपुट सपोज डेटा बेसिकली अ वेरिएबल नेम, और डेटा में आपके पास जो कुछ भी स्टोर है उसको हम कहाँ असाइन कर देंगे, उसको हम असाइन कर देंगे नाम। नाम बेसिकली क्या है आपके पास, एरे का नाम और उसका इंडेक्स, और फिर क्या करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट आए। बहुत बेसिक सा स्ट्रक्चर, जरा देखें अब डेटा कैसे सेव हो रहा है। अगर इसका एनालिसिस करें, सबसे पहले इज 1 less than 5, यस इनपुट डेटा, यूजर इनपुट कर दिया, सपोज करें 30। देखें डेटा में क्या स्टोर है 30, और आई में 1, 30 कहाँ स्टोर कर दे, इस एरे के 1 इंडेक्स पे। तो बेटा एरे के 1 इंडेक्स पे आप क्या स्टोर कर देंगे 30। काउंटर मूव करेगा, नाउ द वैल्यू ऑफ आई इज 2, इज 2 less than 5, यस। तो बेटा यूजर ने इनपुट कर दिया 80, 80 कहाँ स्टोर कर दे, आई में क्या इस वक्त 2, तो इस नाम, नाम की सेकेंड इंडेक्स पे आप क्या स्टोर कर देंगे 80। काउंटर मूव करेगा, नाउ इन आई वी हैव 3, और यूजर ने क्या इनपुट किया 800, 800 कहाँ स्टोर कर दें, नाम आई, आई में 3, तो एरे के थर्ड इंडेक्स पे आप क्या स्टोर कर देंगे 800। काउंटर मूव करेगा, अब आपके पास आई में क्या हो चुका है 4, इज 4 less than 5, यस। तो भाई यूजर ने क्या इनपुट कर दिया 880, तो 880 कहां स्टोर कर दे, एरे के फोर्थ इंडेक्स पे। काउंटर मूव करेगा, इज 5 इक्वल टू 5, यस कंडीशन ट्रू। तो भाई यूजर ने क्या इनपुट कर दिया, फॉर एग्जांपल 888, तो 888 कहां स्टोर कर दे, एरे के फिफ्थ इंडेक्स पे। काउंटर मूव करेगा, नाउ इन आई वी हैव 6 6 less than 5, नो, सो एग्जिट फ्रॉम द लूप। तो लूप 5 दफा चला, क्या 5 नंबर कंसेक्यूटिव लोकेशंस पे स्टोर हो गए, और इन सारी लोकेशंस का एक ही नाम है, क्या नाम, यानी कि नाम 1 करूंगा 30 मिल जाएगा, नाम 2 करूंगा 80 मिल जाएगा, नाम 3 करेंगे 800 एंड सो ऑन। सो विद द हेल्प ऑफ 1 वेरिएबल नेम वी कैन एक्सेस मल्टीपल लोकेशंस, और डाटा ऑर्गेनाइज भी है। चला वर्टिकल कर दें, एक ही बात है, अभी वो सोई भी है ना, थकी हुई है, इसीलिए तो आप कर सकते हैं। तो ये है जी आपके पास एरे में इनपुट करने का तरीका जी, इसको नोट करना है तो कर लें और फिर चेंज करते हैं। चलिए जी, एक और एग्जांपल से ट्राई करते हैं, एरे का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जरा देखिएगा, बल्कि टोटल और इस पे आने से, पर चले एक पहला काम करते हैं, टोटल फाइंड करना, तो दोबारा रिकॉल करते हैं क्या था जी, सपोज करें क्वेश्चन ले लेते हैं, सपोज इनपुट द मार्क्स ऑफ एनी 4 स्टूडेंट्स, एनी 4 स्टूडेंट्स in an array and display their average marks. So we are going to input the marks of any 4 students in an array, and we have to display the average marks. Kya karein? फर्स्ट वी हैव टू डिक्लेयर, तो भाई एक एरे डिक्लेयर करते हैं, जरा देखिएगा, तो सबसे पहला काम आपके पास क्या आ जाएगा, डिक्लेयर कीवर्ड, और एरे का नाम हम खुद से रख लेते हैं, बड़ा मीनिंगफुल सा नाम रख लेते हैं मार्क्स। फिर आपके पास स्ट्रक्चर क्या आएगा,
एरे कीवर्ड, देखिए चीज बार बार रिपीट होगी तो आपको एरे डिक्लेरेशन पता हो कितना, 1:4, और डेटा टाइप आपके पास क्या आ जाएगी, इंटीजर। सर आ सकती है, अभी तो हम समझ रहे हैं मार्क्स होल नंबर में है। अच्छा अब आते हैं कुछ और पॉइंट्स डिक्लेयर, मुझे टोटल बताना है तो भाई एक और वेरिएबल लेते हैं डिक्लेयर, एरे के लिए हम टोटल के नाम से एक वेरिएबल ले लेते हैं या सम, टोटल फाइंड करना है जी। और क्या करना चाह रहे हैं, सपोज करें एक लूप का काउंटर चाहिए और इसके लिए भी हमारे पास डेटा टाइप क्या आ जाती है, इंटीजर। मुझे एवरेज फाइंड करनी है, एवरेज पॉइंट्स में आ सकती है, तो पॉइंट्स के लिए हम डेटा टाइप क्या यूज कर रहे थे जी, AVG एवरेज एक वेरिएबल, और इसके लिए आप क्या डेटा टाइप यूज कर लेंगे। और साथ ही साथ आपकी आसानी के लिए मैं ये भी लिख देता हूँ कि एरे का साइज 4, ये समझाने के लिए बेटा पेपर में ना बना दीजिएगा, तो आपके पास इस केस में क्या आ जाएंगी, 4 कंसेक्टिव लोकेशंस। कर वो भी कर लेते हैं, यहाँ पे इंडेक्स 1, 2, 3, 4, तो आपको एरे में 4 कंसेक्टिव लोकेशंस मिल गए। अब आते हैं लूप, एरे का साइज 4 है तो लूप 4 टाइम्स चलेगा, तो क्या करते हैं, फॉर i 1 to 4, आप 4 टाइम एग्जीक्यूट करेंगे जी। अच्छा हम पहले कर रहे थे एक वेरिएबल में सेव कर रहे थे फिर एरे में स्टोर कर रहे थे, हम एरे में डायरेक्ट भी डाटा स्टोर कर सकते हैं। कैसे, मैं यहां पे लिखता हूं इनपुट, इनपुट का कीवर्ड मार्क्स विद इंडेक्स, आई में पहले 1 आएगा तो एरे के 1 इंडेक्स पे डेटा स्टोर होगा, आई में 2 आएगा तो फिर 2 पे। तो आप किसी वेरिएबल में, जैसे आप ये कह रहे थे, आप किसी वेरिएबल में स्टोर करके फिर एरे में कर दें या डायरेक्ट भी स्टोर कर सकते, तो मैं आपको दूसरी पॉसिबिलिटी जो है वो भी बता रहा हूं। ये इसको ये डायरेक्ट स्टोर रोकिएगा, हाँ ये जो जिसने इधर देखा था इसको ब्लॉक के रहिएगा। इसके बाद टोटल फाइंड करते हैं, टोटल प्लस नहीं, वो जो इससे पहले था, नेक्स्ट आए एवरेज कैसे फाइंड करेंगे, आपके पास टोटल और ऊपर टोटल को इनिशियलाइज भी करते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं आउटपुट, एवरेज, और यहाँ पे हमने टोटल को इनिशियलाइज भी कर लिया, और टोटल की आपके पास इनिशियल वैल्यू क्या है, 0, जैसे आप लोग पहले करते आ रहे। देखिए बेटा मैं इस पूरे स्ट्रक्चर को लाइन बाय लाइन कह रहा हूँ, जरा देखें, ये नेक्स्ट इसके साथ इज 1 less than 4, यस आई में 1, अब जो आप इनपुट करेंगे क्योंकि इन सारी लोकेशंस का एक ही नाम है और वो क्या है, मार्क्स। अब आई में 1 आप इनपुट करते हो 30, तो 30 कहाँ स्टोर कर दें, इस एरे के 1 इंडेक्स पे, तो इस एरे के 1 इंडेक्स पे आप क्या स्टोर कर देंगे, 30। आई में 1 एरे के 1 इंडेक्स पे 30, 30 प्लस टोटल, टोटल में 0, 30 प्लस 0, तो राइट से लेफ्ट डाटा स्टोर होता है, टोटल में क्या आ जाएगा, 30, काउंटर मूव करेगा। आई में 2 इज 2 less than 4, यस यूजर ने इनपुट कर दिया सपोज 90, अब आई में 2 है तो 90 कहाँ स्टोर हो रहा है, इस एरे के सेकंड इंडेक्स, आई में 2 एरे के सेकंड इंडेक्स पे वी हैव 90, और टोटल में क्या था, 30, 90 प्लस 30, तो यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, 120, काउंटर मूव करेगा, नाउ इन आई वी हैव 3, इज 3 less than 4, यस अब यूजर ने इनपुट किया, सपोज क्या इनपुट किया, आई में 3 और यूजर ने इनपुट कर दिया 100, तो 100 आप कहां स्टोर कर रहे हो, एरे के थर्ड इंडेक्स, फिर काउंटर मूव करेगा। अच्छा साथ टोटल भी कर लें, देखें अब आई में 3 तो एरे के थर्ड इंडेक्स पे आपके पास क्या, 100, 100 प्लस जी 100 प्लस 120, तो बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर 100 प्लस हमारे पास 120 है जी, तो मैं एक मिनट जी इसको
ठीक है, 100 प्लस 120 तो क्या आ जाएगा आपके पास, 220। काउंटर मूव करेगा एंड आई वी हैव 4, 4 इक्वल टू 4, यस। अब यूजर जो भी इनपुट करेगा एरे के फोर्थ इंडेक्स पर, सपोज यूजर ने इनपुट कर दिया यहाँ पे 50, 50 प्लस 220, तो बेटा टोटल में क्या हो जाएगा, 270। लूप से एग्जिट तो क्या आ जाएगा, 270 डिवाइडेड बाय 4 और आउटपुट एवरेज आ जाएगी। तो भाई एक चीज जरा नोट करें, अगर मैं ये थोड़ी देर के लिए इंडेक्स खत्म कर दूं और ये इंडेक्स भी खत्म कर दूं, तो ये सारा काम हम पहले नहीं करते आ रहे, सिर्फ अब वेरिएबल के आगे क्या आ रहा है आपके पास, इंडेक्स। तो क्या बन गई ये एरे, और एक इंडेक्स है तो कौन सी एरे, वन डायमेंशन। तो टोटल की वही लॉजिक जो तुमने पढ़ा, लूप की वही लॉजिक जो तुम पहले से करते आ रहे, कुछ चेंज नहीं हुआ। और राइट आफ्टर लूप आप क्या करें, एवरेज, और एवरेज को आउटपुट कर रहे हैं। जी क्वेश्चन है, इस तरह के नहीं आते, किसी टॉपिक में ये पॉइंट ऐसे पूछ सकता है, एग्जाम में कैसे आते हैं, अभी वो मौका दे थोड़ा सा। हाँ तो वर्ड्स में भी कर सकते हैं, वो भी करेंगे, नेम स्टोर करेंगे अरेज में, डेटा को सॉर्ट करके देखेंगे। सर बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल, ये सारे क्वेश्चंस माइंड में रखिएगा। जी सर बिल्कुल कर सकते, हर टाइप का डाटा, सिंबल्स सेव कर सकते हैं, नंबर्स, अल्फाबेट्स, कॉम्बिनेशन आप कर सकते हैं। ठीक है जी, एक और एग्जांपल देखिएगा, अब इसकी लॉजिक आप बना के देंगे। क्वेश्चन है जी, सेव फर्स्ट 6 इवन नंबर्स, सेव फर्स्ट 6 इवन नंबर्स इन एन एरे। सो सेव फर्स्ट 6 इवन, आपके पास फर्स्ट 6 इवन नंबर्स क्या है, जीरो से नहीं, हम स्टार्ट करते हैं सपोज 2, 4, 6, 8, 10, 12। मुझे ये नंबर्स आप इस 1D एरे में स्टोर करके दिखाएं कैसे स्टोर करें। तो सेव फर्स्ट 6 इवन नंबर्स, जी 2-3 मिनट है, जरा जल्दी से लॉजिक बना के दें। देखिए सामने देखिए, कर सकते हैं हम उससे भी सिंपल करते हैं, ये टास्क हम दो तरीके से अप्लाई करते हैं, मैं इसको फॉर लूप से भी कर रहा हूं और वाइल से भी करता हूं। तो जरा देखें, सबसे पहले एक एरे डिक्लेयर कर लेते हैं, डिक्लेयर का कीवर्ड एरे का नाम हमने रख लिया इवन, और फिर सेम वही सिंटैक्स वही मेथड, आपके पास साइज 1:6 ऑफ इंटीजर विद देयर डेटा टाइप। ओके, यहाँ पे इसके बाद मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, एक तरफ हम फॉर लूप यूज करते हैं और एक तरफ हम यूज कर लेते हैं वाइल। अच्छा, ये काम हम फॉर से करते हैं, तो फॉर लूप से कैसे करेंगे, फॉर आई, अच्छा लूप का इंडेक्स वही रहेगा, मैं उसको तो छेड़ ही नहीं रहा, फ्रॉम वाई आई 1 to 6, आपके पास एरे का नाम क्या है, इवन, और आपके पास इंडेक्स क्या है, यहाँ पे हमारे पास सपोज करें हम इंडेक्स है आपके पास जो हम यूज करें हम, और मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ सपोज के, और के में आपके पास इनिशियल वैल्यू क्या सेव है, 2, और हर आइट्रेशन पे हम क्या करते हैं, 2-2 का इंक्रीमेंट करते हैं, के इक्वल टू के प्लस 2, और यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट। बहुत सिंपल सा काम, देखिए अगर मैं एक एरे बना लेता हूँ, और यार इसमें अगर हम डाटा स्टोर करते हैं, क्या आपके पास कितनी कंसेक्यूटिव लोकेशन है, 6, इंडेक्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन 6, इनिशियल वैल्यू फॉर k इज 2, इज 1 less than 6, यस, तो k में 2, 2 कहां स्टोर कर दें, आई में 1, तो एरे के 1 इंडेक्स पे आपने क्या स्टोर कर दिया, 2, 2 प्लस 2, इन के वी हैव 4, नाउ द वैल्यू ऑफ आई इज 2, तो 4 कहां स्टोर कर दें, आई में 2, तो एरे के सेकेंड इंडेक्स पे 4, 4 प्लस 2,
सिक्स, यहां से मूव करेंगे आई में थ्री, थ्री लेस देन सिक्स, यस। अब सिक्स कहां स्टोर कर दें? एरे के थर्ड इंडेक्स पे। सिक्स प्लस टू एट, यहां से फिर काउंटर मूव करेगा, अब क्या हो जाएगा फोर, इज फोर लेस देन सिक्स, यस। तो एट कहां स्टोर कर दें? एरे के फोर्थ इंडेक्स, एट प्लस टू, तो यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा? टेन। तो भाई एट प्लस टू आपके पास टेन, यहां से काउंटर मूव करेगा, अब यहां क्या हो चुका है? फाइव। तो टेन कहां स्टोर कर दें? आई में फाइव, तो एरे के फिफ्थ इंडेक्स पे टेन, टेन प्लस टू ट्वेल्व, और यहाँ क्या हो जाएगा? सिक्स। तो ट्वेल्व कहाँ स्टोर हो रहा है? आपके पास सिक्स, और ट्वेल्व प्लस टू फोर्टीन, यहाँ से जाएंगे लूप से एग्जिट, तो और डेटा स्टोर। तो क्या फर्स्ट सिक्स इवन नंबर्स एरे में स्टोर हो गए? अच्छा, अब फर्स्ट सिक्स नंबर हो गए, सेम यही काम आप वाइल के साथ कर सकते हो। हम वाइल में कैसे करेंगे? तो जरा वाइल का स्ट्रक्चर देखिएगा, सेम लाइक इनिशियलाइजेशन, मेरे पास के में क्या सेव है? टू। हम आई में भी कोई वैल्यू स्टोर कर देते हैं, और आई की इनिशियल वैल्यू आपके पास क्या सेव है? वन। वाइल लूप का सेंटेक्स क्या था? वाइल आई लेस आर इक्वल टू सिक्स, आपके पास एरे नेम क्या गिवन है? इवन विद इंडेक्स, और के में क्या है? टू। तो टू कहाँ स्टोर करेंगे? वन सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, इंक्रीमेंट पहले किसमें कर लेते हैं? के इक्वल टू के प्लस टू, फिर लूप का काउंटर, बेटा लूप का काउंटर क्या आपके पास? आई इक्वल टू आई प्लस वन, ऐसे ही था ना, और फिर क्या लिखेंगे? एंड वाई जी, वन लेस देन सिक्स, यस। तो टू कहाँ स्टोर कर दें? अरे के वन इंडेक्स पर, टू प्लस टू फोर, और आई में क्या हो जाएगा? टू। इज टू लेस देन सिक्स, यस। तो फोर कहाँ स्टोर कर दें? सेकेंड, एंड सो ऑन। तो बेटा चाहे फॉर यूज करें व्हाइल यूज करें, तो क्या फर्स्ट सिक्स इवन नंबर्स एरे में स्टोर हो जाएंगे? आपने आपने व्हाइल पढ़ा था तो पूछना चाहिए, नहीं फिर तो भाई आप तो देखना भी चाहिए। देखिए अब ये चीजें बार बार रिकॉल होगी, इसलिए क्लियर होने चाहिए। लूप का काउंटर फॉर में आपके पास क्या होता है? स्टेप वन याद है, बताया था, ऑप्शनल है, बाय डिफॉल्ट खुद से इंक्रीमेंट करता है। व्हेन वी टॉक अबाउट व्हाइल, तो आपको एक एक इंडेक्स खुद से इंक्रीमेंट करना है, तो वो बताना पड़ेगा। तो आई में लूप के काउंटर में वन देन टू देन थ्री एंड सो ऑन। जी सर, मैंने आपसे डिक्लेयर करके 1 2 6 कर दिया, तो फिर के बहुत इवन नंबर 0 to 12 चेक टू करो, डिक्लेरेशन के बाद 1 2 6 को जगह देगी, उसके बाद 0 to 12। आप मुझे क्वेश्चन बताएं, आपका क्वेश्चन लिख के स्टडी कर लें जी, आप क्या करना चाह रहे हैं? सोच करें, देखें इनका क्वेश्चन सुनिएगा और चेक करते हैं, देखें किसी की लॉजिक को टेस्ट करते हैं, जरा देखते हैं कैसे, जरा आप भी सीखें कि अगर किसी की लॉजिक को टेस्ट कैसे कर सकते हैं। मैं दोबारा से कह रहा हूँ, हमारे पास सपोज सिक्स कंजेक्टिव लोकेशन है, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। आपने फॉर लूप लगाया जी, बताइएगा फॉर आई इक्वल टू 1 2 6 आई वन टू सिक्स, ठीक है जी। फॉर गिवन आई नहीं, 1 2 6 हो गया, फिर क्या फॉर कहते हैं फॉर इवन इक्वल टू 0 to 12 नेक्स्ट वन स्टेप। इवन, इसके अंदर एक और लूप है? हाँ नहीं सर, वो तो कहीं और चले गए आप। इसके अंदर आप चाह रहे हैं कि एक और लूप है फॉर और फिर? नहीं, आप क्या, चले बनाए जी, इसका स्ट्रक्चर हम स्टडी कर लेते हैं, जरा देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, फॉर इवन एक वेरिएबल है या एरे का नाम? या आपने एक वेरिएबल, ठीक है, इवन देन जीरो टू ट्वेल्व, ठीक है, और स्टेप टू भी आ गया, ठीक है जी। आप इससे अच्छा ये नंबर जनरेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, स्टेप टू, फिर ठीक है, अब एरे में स्टोर कर दें। एरे का नाम क्या था हमारे पास? चलिए अब डिफरेंट कर लेते हैं, एरे का नाम नंबर है, और यहाँ इंडेक्स क्या यूज कर रहे हैं आप? वन यूज कर रहे हैं, नहीं, जीरो जीरो
नहीं, जीरो क्या मतलब, इधर कोई वेरिएबल आएगा ना यार, इतना खुद से टेस्ट नहीं किया इसका मतलब है। आए ठीक है, फिर कुछ सेव भी तो करना है ना, इधर क्या आएगा सर, कोई कोई भी नंबर कर नहीं सकता ना मैं। भी इवन ठीक है, और क्या करना है, बस नेक्स्ट एंड कर दूं। चलें जी, इन्होंने जो कुछ लिखा है इसको टेस्ट करें, जरा देखते हैं। देखें होगा क्या, आउटर लूप में जब वन होगा, इनर जीरो से 12, दो दो का डिफरेंस आ रहा है, पहले जीरो हो जाएगा, फिर टू हो जाएगा, फिर फोर, फिर सिक्स, फिर 12। यानी कि अगर आउटर में वन है तो इस केस में नेस्टेड लूप है तो इनर आपके पास 5 टाइम्स चलेगा, फिर आउटर में टू होगा, फिर इनर 5 टाइम चलेगा, फिर आउटर में थ्री होगा, फिर इनर 5 टाइम। तो पहली तो चीज 5 मल्टीप्लाई बाय 6, कितनी दफा, 30 टाइम्स का लूप चलेगा। तो बहुत फालतू है, हमने को चलाते रहते हैं। अच्छा खैर, उस पे आते हैं, अब आते हैं, जरा देखें क्या कहते हैं। वन लेस देन सिक्स यस, टू जीरो लेस देन 12 यस। तो इवन में था जीरो, जीरो आई में स्टोर हो जाएगा। चलिए हम समझ लेते हैं जी, आई में स्टोर हो गया, यहाँ से फिर ऊपर जाते हैं, 2 प्लस 2 4, ऐसा ही है ना, इंक्रीमेंट होगा। नहीं, जीरो था, 0 प्लस 2 2, इज 2 लेस देन 12 यस। अच्छा इवन में क्या है आपके पास, टू, और आई में क्या है, वन, यहाँ पे फिर टू स्टोर हो जाएगा जी, फिर यहाँ पे फोर आ जाएगा, फिर फोर की जगह फिर सिक्स आ जाएगा। तो भाई अपनी लॉजिक पहले खुद से टेस्ट करो, फिर हमें बताओ जी। सर एक ही लोकेशन पहले जीरो रखेगा, फिर टू रखेगा, फिर एग्जिट होगा, फिर यहाँ टू जाएगा, फिर यहाँ बार बार रखता जाएगा, और एडजेंट बताऊँ क्या होगा, यहाँ पे 12, 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 इतनी दफा अननेसेसरी चलने के बाद भी 12 12 12 12। जी क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरह से एक आदत बनाए अपनी लॉजिक किसी और की लॉजिक को टेस्ट करने। चलें अब आते हैं कुछ एक और एग्जांपल देखिएगा। क्या इस तरह से हम नंबर्स एरे में स्टोर कर सकते हैं जी? ये है जी भाई, क्योंकि यार ऊपर आई में वन पड़ा था तो वो एक ही पे रहता था और वहीं पे सेव करता जा रहा था। ओलेवल में सीएस पढ़ा हुआ, फिर तो लॉजिक कुछ तो मिल नहीं जाएगा, कर दो चेंज, प्रैक्टिस नहीं की भी तो इसलिए यहाँ, इसलिए बहुत बेसिक से पढ़ रहे हैं, और उसको बहुत डिटेल से पढ़ने का मकसद भी है कि कहीं ना कहीं लॉजिक अगर कहीं लेफ्ट राइट है तो एटलीस्ट समझ आ जाए। अभी तो आते हैं, उस सारों पे आने लगे हैं, अभी स्टार्ट तो देना। अच्छा जी अब आते हैं जी हमारे पास, सपोज जी ये नंबर्स, क्या हम, हमने ये काम पहले भी किया था, लेकिन क्या ये नंबर्स हम एरे में स्टोर कर सकते हैं? क्या स्ट्रक्चर बनाएं, सबसे पहले आपको एरे डिक्लेयर करनी है, तो बेटा एक एरे डिक्लेयर करें और ये नंबर्स को जरा एरे में स्टोर कर दें। कैसे करेंगे जरा देखें, मैं जल्दी से करता जा रहा हूँ। सबसे पहला काम, डिक्लेयर का कीवर्ड, एरे का नेम आपके पास क्या है, सपोज हम एरे का नेम रख लेते हैं माई अंडरस्कोर एरे। और फिर आगे कीवर्ड आ जाएगा, कितने एलिमेंट स्टोर करने हैं, सो 1:5, और डेटा टाइप आप क्या रख लेंगे, इंटीजर। तो यहाँ तक तो एरे डिक्लेयर हो गई। अच्छा कोई और वेरिएबल चाहिए आपको डिक्लेयर कर लीजिएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, लूप कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, फॉर आई 1 2 5, सबसे पहले हमारे पास इनिशियल वैल्यू के में क्या सेव है, 19, और के की वैल्यू हम कहाँ स्टोर कर दें, एरे का नेम आपके पास माई अंडरस्कोर विद इंडेक्स, और फिर हर आइटरेशन पे हम क्या करें, डिक्रीमेंट करें के इक्वल टू के माइनस 10, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेक्स्ट। तो बहुत सिंपल काम, आपके पास यहाँ
यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये रे का इंडेक्स वन है, हम इस देख ले भाई वर्टिकल बना दिया, इंडेक्स वन टू थ्री फोर फाइव, वन लेस देन फाइव, यस। आपके पास यहां पर क्या था, 90, 90 कहां स्टोर कर दें एरे के वन इंडेक्स पे, 90 माइनस 10 80, काउंटर मूव करेगा 2, तो भाई 2 लेस देन 5, यस, तो 80 कहां स्टोर कर दें सेकंड, और इस तरह से हम मूव करते हुए ये डाटा स्टोर कर लेंगे जी। तो A1 आज ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था वन डायमेंशन एरे, कल का लेक्चर बिल्कुल ना मिस करें जिसमें हम मैक्स मेन सर्चिंग कंपैरिजन ये 3 से 4 मेन टास्क करेंगे। डायनामिक हो सकता है इन्फिनिटली।